देखो बच्चे, अब हम आ चुके हैं हल्का हल्का क्वेश्चन के लिए। नवोदय में फेल होके नहीं आना है, नवोदय में हल्का हल्का क्वेश्चन के लिए फेल हो गया। ये देखो इसका डिमर क्यों हुआ हम बतलाते। ये दोनों देखो तीर और ये गोला एक में है, इसमें भी तीर और गोला एक में है, इसमें भी तीर और गोला एक में। तीर देखो इस अलग है, इसमें गोला क्यों नहीं, गोला इसमें है, तीर इसमें क्यों नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये है। अब देखो ये दो दो नंबर का क्वेश्चन, इसमें चार बार गए, इसमें भी चार बार गए, इसमें भी चार बार, एक दो तीन चार और आठ बार गए, इसीलिए इसका ये बैलेंस। अब देखो तीन नंबर का क्वेश्चन, तीन नंबर में ये आधा है, ये भी आधा, ये भी आधा, और ये देखो पूरा बंद है, इसके इसका डी नंबर आंसर। चार नंबर क्वेश्चन देखो इसका सी नंबर क्यों हुआ, देखो एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो, एक दो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन, इसका एक दो, इसलिए इसका सी नंबर आंसर हुआ। चलो अब आगे क्वेश्चन भाग टू, एक जैसा देखो खोजना चाहिए। इसमें देखो ये तो गया तीर, इसमें भी तीर गया, ये भी इसमें वही गया, इसका डी नंबर आंसर हुआ। और इसको देखो खोलना, देखो जैसे इसका ऐसे मंदिर जैसा एक मंदिर लगता है गलत, इसका नीचे देखो सीधा ये गलत, इसका रंगा हुआ नहीं है ये गलत, ये इसका देखो ये डी नंबर इसका आंसर होगा। अब सात नंबर खोलना, इसका देखो ऊपर में ये वाला, ये नीचे दे दिया, इसका देखो ये ऐसे, ये इसका नीचे दे दिया ऊपर में, इसलिए इसका देखो ये सेम टू सेम मिल रहा है, इसलिए इसका बी नंबर आंसर हुआ। आठ नंबर क्वेश्चन,